नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित दीक्षित। सिलेक्शन मेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, और इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आरआरबी की जो प्री परीक्षाएं होती हैं उनमें 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी 40 क्वेश्चन। और इन 40 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक का वेटेज होता है और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितना आता है, कैसे हमें करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। डीआई के टॉपिक्स बताए थे हमने आपको कि डीआई कितने टाइप की होती हैं, हाँ कितने तरह के उनमें टाइप बन सकते हैं। हमने आपको बताया था नंबर सीरीज कि मैथ्स की अलग होती है, रीजनिंग की अलग होती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि आज आप बेसिक पढ़ेंगे, यानी शुरुआत तो आपको बेसिक से ही करनी है। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और आपको देखना है बेसिक से कि हम किस तरह से धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम तुरंत बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आपका बेसिक स्टार्ट करते हैं। और हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। क्या कहा था? सिंप्लीफिकेशन। अच्छा एक चीज और, ये मत सोचिएगा कि जैसे हम बार बार बोल देते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे या पढ़ाना, ऐसा कतई नहीं है। ऐसे आदत पड़ गई है बोलते बोलते, तो पढ़ाना कतई नहीं है। बस एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, वो आपसे शेयर करना है। जहां पे भी गलती लगे आपको, कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके चलिए चलते अपनी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखो, एक बात समझो आप सभी लोग। देखिए सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? पहले बेसिक पढ़ना। क्या पढ़ना है? बेसिक। बेसिक बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम बेसिक नहीं पढ़ पाए तो याद रखिए कि आगे हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक में क्या पढ़ेंगे? कल मैंने आपसे कहा था कि आप 2 to 20 टेबल लर्न करेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि 2 to 20 स्क्वायर आप लर्न करेंगे। ठीक, जरूरी भाई। 2 to 20 आप क्यूब लर्न करेंगे, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि ट्रिक्स भी तो बनेंगी तो इन्हीं से बनेंगी। ठीक, तो चलिए जैसे कि हमने बेसिक की बात की, बहुत एकदम बेसिक से, जिस बच्चे ने कभी गणित नहीं पढ़ी है ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर उसने देख लिया तो बड़े आसानी से वो भी गणित करने लगेगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं बेटा ये सारी चीजें आपको पढ़नी। ठीक, अच्छा कल मैंने आपसे कहा था कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 0.4 होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 0.9 होता है। एग्जैक्टली यही होता है। आपको ना ही सिंगल डिजिट लिखनी है और ना ही सिंगल डिजिट बोलनी है। सबसे पहली बात, आपको डबल ही लिखना है और डबल ही बोलना है। कोई कहे कि हाँ ये पागल है इनको नहीं आता है, कह दो हाँ हमें नहीं आता है। ठीक है, आपको डबल ही डिजिट लिखनी है और डबल डिजिट ही बोलनी भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या? 0.4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 0.9। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखिए। होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। क्या जरा देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है तो वह दोनों संख्याएं क्या होंगी? ठीक, अभी संख्या नहीं लिखी है, अभी लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, या द मल्टीप्लीकेशन, या द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इज देन फाइंड नंबर्स, नंबर्स देन फाइंड नंबर्स। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से, 8 0 8 2 8 0
बच्चों बहुत ध्यान से समझो, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपने जो बचपन से सीखा है, ठीक, क्या करना कि तुरंत एक्स मानना, एग्जैक्टली आप मानो, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि 90% केसेस में आपको एक्स नहीं मानना, 90%। ईमानदारी से ध्यान रखिए, आप अपने एक्स को भूल जाइए बिल्कुल, और जब आप एक्स को भूल जाएंगे, ठीक, तो आपका काम बहुत सरलतापूर्वक होगा। और ऐसा नहीं कि एकदम से भूल जाना, ना, हमने क्या कहा 90% केसेस, जब बहुत जरूरत पड़े, जैसे नहीं गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो 10% के लिए आप एक्स को याद कर सकते हैं। बहुत से काम होते हैं बिना एक्स के नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप 90% केसेस में एक्स को भूल जाएंगे, ठीक। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा ओरली है, अभी आपको बहुत मजा आएगा, एग्जैक्टली आगे बहुत सी चीजें हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ओरली करना, अब मेरी बात सुनो, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, अगर ये क्वेश्चन ओरली आ गया आपको 4 सेकंड में, तो यह समझ लीजिए आपको स्क्वायर रूट 4 सेकंड में आ जाएगा, ठीक। और बहुत से क्वेश्चन भी 4 सेकंड में आ जाएंगे बिना एक्स लगाए, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहा दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 2808 है। मतलब समझ रहे हो? दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 2808, मतलब क्या कि दो लगातार सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, क्या है? 2808। तो वो दोनों संख्याएं आपको बतानी है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में आ रहा है सर हमको आता है ये, क्या नहीं बेटा, ठीक है आता है, लेकिन कई तरीके होते हैं जिससे हम, देखो जैसे आपको तरीके पता चले ना, तो आप तरीकों से तरीके जोड़ना स्टार्ट कर दो, यानी कई क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से ना करके एक ही तरीके से जोड़ कर करो, देखना डेफिनेटली आप एक ट्रिक याद करोगे और सारी तैयारियां आपकी हो जाएगी इसी तरह से, ठीक। देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व होता है बेटा, इन चीजों को ध्यान रखो, आप समझो यहां पर। देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका, बहुत ध्यान समझना बेटा, आपको दो चीजें करनी है, क्या करनी है? सबसे पहले आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 आपको इनके स्क्वायर याद होने चाहिए। कहां तक? 100 तक, यानी 90, कहां तक? 100 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कैसे? आपको पता है 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 40 का क्या होता है बच्चा 1600, 50 का क्या होता है बच्चा 2500, 60 का क्या होता है बेटा 3600, ठीक। अच्छा, 7 का क्या होता है, 70 का क्या होता है 49, यानी 4900, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, देन 90 का क्या होता है 8100, और 100 का तो आपको पता ही है, ठीक। अब हमें करना क्या है आप समझो बेटा, ये तो हो गया, दूसरी बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ऐसी संख्याओं के स्क्वायर हमको याद रखने हैं, ऐसी संख्याओं, देखो एक चीज बहुत ध्यान रखना, ऐसी संख्याओं के स्क्वायर हमें याद रखने हैं, ऐसी संख्याओं के जिनका अंतिम अंक 5 आता हो, क्या? जिनका 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 लास्ट डिजिट 5 हो, क्या हो? 5। जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, क्या क्या कैसे? देखो जरा बहुत ध्यान से समझिए, जैसे बेटा 15, ठीक, जैसे बेटा 25, जैसे बेटा 35, जैसे बेटा 45, जैसे बेटा 55, जैसे बेटा 65, ठीक है, जैसे 75, जैसे 85, जैसे 95, जैसे 105, ज्यादा आगे नहीं जाना। अगर आपके दिमाग में आया सर और भी आगे बताइए और होते हैं बेटा, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वेरी यही होती है सर केवल आप वहीं तक बता रहे हैं जहां तक ये लग पा रहा है, ट्रिक है ये, ऐसा कुछ नहीं, आपको सब मिलेगा, बस आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना है। बता दें स्टूडेंट का दूसरा नाम होता है धैर्य, ठीक। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आज ही से अपने अंदर पेशेंस पैदा कीजिए, पेशेंस नहीं है खरीद लीजिए, ठीक। चलो अभी देखते बेटा,
हमने क्या कहा, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो। हम शुरू करते हैं 25 से, ठीक, क्यों वो भी बता दें। 25 से बेटा इसलिए शुरू किया हमने, 25 से हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि क्या है 25 में, क्योंकि ये सब आपको रटा है, तो देखते हैं जरा 25 से क्यों शुरू। बेटा देखो अंतिम अंक क्या है 5, 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 अंतिम अंक क्या है 5। देखो 75 का अंतिम अंक 5, 85 का अंतिम अंक 5, 95 का अंतिम अंक 5 और 105 का अंतिम अंक 5, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए क्या करना है, बहुत अच्छे समझिएगा बच्चा, आपको करना यह है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दीजिए, ठीक, लिख दिया होता ही बेटा, ये दो बचाना, यानी जिनका अंतिम अंक 5 है उनका जो दहाई का अंक है, यानी लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको नेचुरल नंबर में उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी दो के बाद क्या आता है 3, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, ये हो गया 25 का स्क्वायर। 35 की बात करें बेटा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बेटा 3 के बाद क्या आता है 3 4 12, यानी 12, ले 12 25, ठीक। 45 का निकालना है, तो 5 का क्या हो गया बच्चा 25, 5 का क्या हो गया 25 हो गया। अच्छा लिखते जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग लिखते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए, आप लिखते भी जाइए ताकि अभी क्वेश्चन कराएं तो आपको आ जाए, ठीक है। हाँ 5 का क्या हो गया 25, आफ्टर सॉरी नेचुरल नंबर में आफ्टर 4 क्या क्या रहता है, रहता है 5, तो 4 5 20, ठीक है। 55 निकालना है, तो 5 का तो 25 क्योंकि लास्ट में है, तो 5 का 25, तो 5 के बाद क्या आता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में 6, तो 5 6 30, यानी 5 6 30, देन 5 का स्क्वायर बेटा 25, देन 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, 6 7 42, 6 7 42, ठीक है। 15 का क्या, 5 का तो भाई 25 ही होता है, तो हम 5 का 25 लिख देते हैं, और 1 के बाद क्या आता है तो 1 2 2, ठीक है। 75 की बात करें तो 5 का क्या होता है बच्चा 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56, यानी 56 85, 5 का क्या होता है 25, 8 के बाद क्या आता है 9 9 8 72, देखते हो, ठीक है। अच्छा 5 का क्या होता है 95 में 25, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 दाम 90, यानी 9 10 90, 105, 5 का क्या होता है बेटा 25, 10 के बाद क्या आता है 11, यानी 110 25, बस इतना ही रखो। हाँ बाकी आगे बताएंगे, 115 125 सब पता चलेगा सब, लेकिन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हमें उतना जरूरी। अच्छा एक चीज बच्चा और ध्यान रखना, ये सिर्फ किसमें लगेगा, सिर्फ वो जिनका लास्ट डिजिट क्या होता है 5, और कहीं मत लगाना, ठीक है। हाँ एक बार फिर से समझ लो, जैसे हम 35 का बता दें दोबारा कि हमें क्या करना है बच्चा, कि 5 का 25 सबसे पहले हमें इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे रख देना है, यानी राइट साइड पे रख देना है, और फिर क्या करना है लेफ्ट पे, कि जो हमारा नंबर छूट गया है यानी 5 के पहले जो लिखा था नेचुरल नंबर में, देखते हैं उसके आगे वाला नंबर क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, यानी 3 के बाद आता है 4, 3 4 12। अच्छा 85 का एक बार और देख लेते हैं बच्चा, 85 का जब हम देखेंगे तो देखो जरा 85 में, देखो क्या हुआ 5 का तो 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 × 9 तो कितना हो गया 72। देखो जैसे ये 2 है तो 2 × 3 कितना हो गया 6, देखो 4 × 5 कितना हो गया 20, 5 × 6 कितना आ गया 30, 6 × 7 कितना आ गया 42, 10 × 11 आगे वाले नंबर से 110, 9 × 10 90, 7 × 8 56 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो लिख लिया होगा आपने, नो डाउट आप लिख लिया, अब देखो करना कैसे, बहुत ध्यान समझना, अगर ये आपको आ गया 3 सेकंड में प्रश्न, मतलब आप सोचोगे आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 28 08 है, दो लगातार सम संख्या, लगातार का मतलब गैप होगा लेकिन इवन नंबर्स का कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा दो लगातार सम संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल है ये 28 08 है। बच्चा एक बात समझो, पता है क्या करना है, देखो एक एक तरीका बता रहे हैं, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझना, लेकिन अगर अपना दिमाग लगाओगे तो नो डाउट है आएगा, भाई सबके पास दिमाग है सबका आएगा नो डाउट, लेकिन अपना दिमाग लगाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कह रहे हैं आराम से पढ़ लो। कैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना यह है कि 28 08 में आपने देखना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में किसके नियरेस्ट आ रहा है 28 08, किसके नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट का मतलब आगे से भी और नियरेस्ट का मतलब पीछे से भी होता है, जरूरी नहीं कि आगे से ही, ठीक है भाई, पड़ोसी हमारा जो सबसे नजदीक जरूरी थोड़ी लेफ्ट पे रहता हो, राइट पे भी ले सकते हैं तो बस ये, ठीक है। अच्छा
तो 28.08 हमने देखा भैया 50 के नजदीक आ रहा, किसके नजदीक 50। तो देखो जरा हमने लिख दिया 50 का स्क्वायर कितना बच्चा 2500, किसका लिख दिया 2500 लिख दिया। अब सोचो जरा दिमाग में कि ये जो 2808 है, ये जो 2808 है ये 50 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। तो आप पता है क्या करो, अगर ज्यादा हो भैया तो 5 आगे बढ़ाकर स्क्वायर ले लो यानी 55 का, और अगर कम हो तो 5 कम कर दो। तो अभी ये ज्यादा था तो हमने ज्यादा ले लिया, 55 का स्क्वायर क्या हुआ 30 25। अब आप गौर करो ये 2500 और 30 25 के बीच में 2818 आ रहा है, मतलब इसके बीच में दो ही सम संख्याएं होंगी, कौन सी 52 और 54, 52 और 54। ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर आपने सीख लिया ना ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे कि आप तुरंत निकालो, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और ऐसे ही बताएंगे, आप सीखिए, ठीक है, आप सीखिए। देखो दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो लिख रहे हैं, दो लगातार, ठीक है, सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल 3968, ठीक। तब दोनों संख्याएं इंग्लिश में समझ जाओगे कि लिख दें, चलो लिख देते हैं क्योंकि हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, कुछ दिनों बाद रूबरू भी होंगे, बस ज्यादा नहीं 15-20 दिन बहुत ज्यादा है, 2-4-5 दिन बाद, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 3968, देन फाइंड द नंबर्स, ठीक, देन फाइंड द नंबर। अब देखो जरा हमने क्या कहा, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है। आपसे क्या कहा था बच्चों, आपसे कहा था कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब जिनके अंत में जीरो आ रहा, देखो किसके स्क्वायर के नजदीक ही आ रहा। तो तुम कहोगे सर 60 के, ऐसे कहोगे 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 आ गया। बेटा ये देखो क्या है बच्चा, ये इससे ज्यादा है, तो हमने क्या कितना ज्यादा लेने कहा था 5 ज्यादा ले लो यानी 65 का स्क्वायर कैसे 5 का, तो 25 क्योंकि अंतिम अंक 5 है, 6 का गुणा 7 में कर दो कितना हो गया 42 25 हो गया 42 25। बच्चा आप देखो इनके बीच में ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बीच की वैल्यू है, तो वैल्यू भी बीच की, नंबर्स भी बीच के होंगे, यानी इनके बीच में दो ही इवन नंबर 62 और 64, ये उत्तर आ गया, ठीक है। चलो और करा देते हैं, और ताकि आपको थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाए, क्या है थोड़ा सा आपको अभ्यास हो जाए, ठीक, और कराते हैं, ठीक, अभी ऑड वाले भी करा देते, ठीक है, चलो अभी ऑड वाले भी करा दो। देखो चलो क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या लिख दें हम, एक मिनट जरा सा हम भी देख लेते हैं ना कि तुम लोगों को गुणा करके बताना भी पड़ेगा। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार सम संख्याओं गुणनफल 5928 है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5928, देन फाइंड द नंबर्स, यानी तब संख्याएं बताएं, ठीक। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है 592, संख्या। तो अब हम क्या करते हैं संख्याएं बताने में, सबसे पहले देखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 के में जिसके अंत में जीरो है किस स्क्वायर के पास में ये आ रहा। तो सर हमने देखा कि 80 के स्क्वायर के पास आ रहा, 80 का स्क्वायर कितना 6400, ये देखो 6400 से थोड़ा सा कम है, ये ठीक है थोड़ा कम है। तो हमने क्या कहा, अगर कम है तो आप कम कर दीजिए 5, और अधिक है तो 5 अधिक कर दीजिए। तो हमने 5 कम कर दिया यानी 75, भैया 75 का स्क्वायर 5625 ये आ गया।
बच्चा इन दोनों के बीच में आ रहा है ये 5928, बस आगे के दो अंक देखा करो, ठीक है? तो इसके बीच के ही तो नंबर होंगे इवन, कौन कौन से, 76 और 78, देख लेना आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको हम दूसरा दे पाए, ठीक है? चल एक मिनट अगला करते हैं, ठीक है? देखो हम लिख रहे हैं, दो लगातार विषम विषम संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, हाँ 4095, तो संख्याएं आपको बताऊं, ठीक? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 4095, देन फाइंड द नंबर। अब देखो जरा जल्दी से इस शब्द को, ध्यान रखना लगातार कंसेक्यूटिव है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है 4095, ठीक? दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है 4095। अच्छा अब करना क्या है, तो सबसे पहले चीज हमने देखना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में किसके नजदीक आ रहा है? बेटा 60 के नजदीक होता है 3600। बेटा अब ये ज्यादा है 4095, तो हम 5 ज्यादा कर लेते हैं, यानी 65, 65 का स्क्वायर 4225, ठीक? ये आ गया 4225, 42-25, ठीक? अच्छा बेटा इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि जिसका भी गुणनफल है वो इसके बीच की संख्या है। बेटा 60-65 के बीच में तीन विषम संख्या है, देखो 61, 63 और 65। अब देखो जरा, या तो इसका इसका होगा, या तो इसका इसका, और या तो इसका, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार है, तो बेटा ये कंडीशन खत्म, ठीक? अब बची ये दोनों कंडीशन। बच्चा अब ये कैसे होगा, देखो जरा लास्ट डिजिट बच्चा क्या है, 5 है। 5 तभी आती है जब हम उठाकर गुणा करेंगे, किसका किसका, 5 का उठाकर 3 में करेंगे, तभी तो लास्ट डिजिट आएगी। सोचो अगर आप 61-63 करोगे तो 3 का उठाकर 1 में करोगे तो लास्ट डिजिट तो 3 आएगी, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी वो नंबर क्या हो गए हमारे 63 और 65, ये हो, ठीक है? ठीक है चलो और क्वेश्चन करते हैं ऑड नंबर वाला, ठीक है? ताकि आपको ऑड नंबर वाला आ जाए बहुत अच्छे से। देखो जरा, दो लगातार विषम विषम यानी ऑड नंबर्स है ना, विषम संख्याओं का गुणनफल, गुणन फल दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 7743, तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या, देखते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, बच्चा एक चीज समझो कितना था 7743, सबसे नियरेस्ट देख लेते हैं क्या 10, 20, 30 वाले में, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का 6400, 90 का 8100। अब सोचो 80 का 6400 और 90 का 8100 नियरेस्ट किसमें पड़ रहा है, नियरेस्ट पड़ रहा है 8100, यानी 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100। बेटा ये क्या है, इससे थोड़ा सा कम है तो हम 5 कम कर लेते हैं, यानी 85 का ले लेते हैं, तो 85 का क्या होगा 8 का 9 में मल्टीप्लाई, यानी कितना 72 और 5 का 25। बेटा इन दोनों के बीच में आ रहा है, जरा देखो क्या आ रहा है, 77 आ रहा है ना, क्योंकि 72 और 81 के बीच में तो 77 आएगा, बस क्या है अब इसके बीच में तीन विषम संख्या है, कौन सी, 85, 87 और 89। बेटा
या तो इसका इसका होगा या तो इसका इसका, क्योंकि इसका तो पॉसिबल नहीं, लगातार है। तो देखो जरा, 7 का 5 में करोगे तो लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 87 और 89, 87 और 89। इस तरह से हमारा ये भी सही हो गया। ठीक, अच्छा अब आपको आ गया है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। अब थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आगे भी हम इस तरह की चीजें बता पाए और इनको और जगह भी अप्लाई कर पाए। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं जरा। अब आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। ये तो हो गया इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने तैयार कर लिया है, तो इसके आगे की ट्रिक, इसी से रिलेटेड स्क्वायर रूट भी हम बता पाएंगे और आप सेकेंडों में निकालोगे। लेकिन बस ये ध्यान रहे, आपको क्या ध्यान रखना है, जिसकी लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ रहे हैं समझो जरा। आप आगे बढ़ने में हम क्या कर रहे हैं बच्चा, कि आपको हम सिखाना चाह रहे हैं क्या, वर्ग निकालना। क्या करना, वर्ग निकालना। वर्ग निकालना, वर्ग निकालना मतलब क्या, स्क्वायर करना, स्क्वायर। अब आप कहोगे सर स्क्वायर स्क्वायर हमें आता है, ईमानदारी से बताएं बच्चा, हमको 4 सेकेंड लगता है स्क्वायर निकालने में, 4 सेकेंड, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी 4 सेकेंड लगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम बताते हैं आप इतना। ठीक, देखो जरा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4, और बच्चा 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो जरा 0। इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम स्क्वायर बता रहे हैं आज डबल डिजिट का, कौन सा, डबल डिजिट जिसमें 2 अंक। ठीक, कल बताएंगे 3 अंकों वाला। ठीक है, चल देखते हैं। सबसे पहले बेटा 25 का, क्यों, क्योंकि 25 आपको आता है, इसलिए आप प्रूफ भी कर लोगे। ठीक, आप बहुत ध्यान से सीखो, अगर आपने सीख लिया तो ये समझ लो 5 सेकेंड 4 सेकेंड आपके लिए कुछ नहीं है, आप 3 सेकेंड में निकाल दोगे। ठीक है, रटो। देखो बेटा 50 तरीके नहीं, सिर्फ एक तरीका सीखो। देखो पहले अलग अलग दोनों अंकों का स्क्वायर लिख लो। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25। बेटा 2 का स्क्वायर कितना, 04। ध्यान रखना, यानी आपको क्या करना है, दोनों अंकों के अलग अलग स्क्वायर लिखने हैं, दोनों अंकों के अलग अलग स्क्वायर लिखने हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दो, करो गुणा, 5 2 10। बेटा जो भी गुणा करने पे आया है 10, उसका जस्ट डबल कर दो, यानी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप जस्ट डबल कर दोगे, जो मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आया, यानी 5 2 10, यानी 5 2 10 का डबल 20 20 20। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको 20 लिखना है। क्या करना है, 20, लेकिन इकाई यानी यूनिट डिजिट के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, 0 यहां और 2 यहां, बस जोड़ डालो। देखो 5 2 6 आ गया कितना, 625। फिर समझो, अभी समझते रहो, बहुत आसान हो जाएगा, लग रहा होगा पहली बार में टफ, लेकिन बहुत आसान है। समझो 33 का निकालना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बेटा क्या, 09। 3 का स्क्वायर बेटा क्या, 09। ठीक है, 09। बेटा अब मेरी बात समझो, हमने क्या कहा था, हमने कहा आप दोनों अंकों का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 3 9। ठीक है, जो भी आया उसको डबल, 9 का डबल 18। तो बेटा इस वाले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, 8 यहां और 1 यहां, ले आंसर आ गया कितना, 9 और 1 10, जोड़ दीजिए 8 और 9 9 आंसर, ये देखो आ गया। ठीक है, फिर देखो जरा, फिर देखो बच्चा, फिर देखो जैसे हम निकालते हैं 47 का। ठीक है, 47 47, कैसे, 7 का स्क्वायर कितना, 49। ठीक है, 4 का कितना होगा, 16। हमने क्या कहा, दोनों अंकों को आपस में गुणा करो, 4 7 कितना होगा, 28, यानी 4 7 28, 28 जो भी है उसको डबल, 28 का डबल 56। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, 56 लिखना है, तो 6 यहां और 5 यहां, आहा हो गया, कैसे, 9 6 4 10 की 0 1 लग गया, 6 5 11 और 1 12 1, यानी 22। देखो आंसर आ गया 22। आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है, हम भी चेक कर ले रहे हैं एक बार, क्या हमने तुम लोगों को सही बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सर ने गलत बता दिया या सर ने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म भी कर लेते हैं, बताइए। ठीक, अच्छा और देखते हैं, जैसे बेटा हमने किया 92 का। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 04। ध्यान रखना 2 का 04। 9 का कितना होगा बच्चा, 81। बेटा अब मल्टीप्लाई, 9 2 18 18 का डबल 36, तो 6 यहां और 3 यहां, ये लो आंसर, ये लो 4
6 4, ये लीजिए 8 4 6 4 आ गया। ठीक है, और देखते हैं अगले पेज पे, और देखो और देखो और देखो, ठीक है। और देखते हैं, जैसे हम आपको बताएं, निकालते हैं हम 68, ठीक 68 का स्क्वायर, 8 का कितना बेटा 64, 6 का कितना बेटा 36, 8 का 6 में गुणा करो 6 8 48, यानी 48 का डबल 96। तो भैया 6 यहाँ और 9 यहाँ, ये भी हो गया। तो देखो 4 6 6 12, एक कैरी किया, 9 और 1 10 6 16, 16 3 और 1 4 46 24, 46 24। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको प्रूफ रहे कि सर ने चेक कर लिया, 46 24, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक, 46 24। और देखो और देखो, कोई भी दो अंक का स्क्वायर, कोई भी दो अंक का, बस आपको रट जाना चाहिए। ठीक, रट जाए, जैसे हम करते हैं 77 77 सेवन का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 का डबल 98। भैया 9 और 8 लो, 9 8 हो गया 9, 8 4 12 की दो हाँसी लगाए, 18 और 1 19 लो, 5 9 2 9, अब क्या चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, और हम देख लेते हैं कोई भी दो अंक का, आप सोच लीजिएगा, निकालिएगा, फिर उसके बाद देखिए कैसे करना है, आपको सीखना कैसे, हम आपको बताएं कैसे सीखना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके मोबाइल पे कैलकुलेटर होगा, नोट हो, ठीक है, आप तरीका सीखिए, उसके बाद पता है आप क्या करिए, आप करिए ये कि पहले आप रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करिए, और उसके बाद करना क्या है आपको, उसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालने के बाद फिर कैलकुलेटर से चेक कीजिए कि आपने सही किया है। बच्चा अगर 4 सेकंड 3 सेकंड में कर लेगा ना, ईमानदारी से बता रहे हैं, स्क्वायर के किंग बन जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम अगला भी कर रहे हैं, देखो जरा देखो जरा देखो, 85 85, 5 का कितना बेटा 25, 8 का कितना बेटा 64, 8 का 5 को बड़ा करो 40 का डबल 80, ये रखा ये रखा ये लो, 5 2 2 6 लो, आंसर आ गया 72 25। ठीक, और देखो जरा और देखो, 98 का करते हैं, ठीक 98 का, 8 का स्क्वायर बेटा 64, 9 का स्क्वायर बेटा 81, 9 8 72 का डबल 144। तो देखो 4 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ, आंसर आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, देखो जरा 4, ठीक 6 9 6, ये लो, बस जोड़ना आना चाहिए, बस ध्यान रखें इकाई के अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ, और देखो 92 92, 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81, 18 9 2 18 का डबल 36 लो, कितना सरल बताओ, कितना सरल, 04 81, और 3 और 1 4, देखो 9 4 6 4 लो, आंसर आ गया। ठीक, सॉरी 8 4 6 4, सॉरी 8 4 6 4 लो, आंसर आ गया, बताओ कितना सरल है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं। आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको हमने बताया है क्या करना, देखिए हम बताते हैं एक बार, हम आपको समझा दें क्या क्या बताया हमने, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है, कैसा, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन और ऑड वाले। ठीक है, आपको हमने बताया है स्क्वायर निकालना, कौन कौन से, एक तो बताया डबल डिजिट का आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, दूसरी बात वो स्क्वायर जिनकी लास्ट डिजिट 5 होती है। बच्चा आप लोग प्रैक्टिस करना, ईमानदारी से बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ ये 20 मिनट 30 मिनट की क्लासेस मिल रहे हैं, ईमानदारी के साथ थोड़े दिनों बाद लाइव भी मिलेंगे आपको, और लाइव में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, और दो दो घंटे आपके साथ मेहनत करेंगे, बस आप क्या कर लें, सिलेक्शन ले लें, बस हम आपके साथ मेहनत करेंगे, और आप तैयार रहिए क्या करने के लिए, हमारे साथ मेहनत करने के लिए। हम रिकॉर्डेड आपको तकरीबन अभी जैसे मिल रहा है, ऐसे भी मिलता रहेगा आगे, और ऑनलाइन भी आएंगे, और समय भी बढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए भी समय लगेगा, 2 4 5 दिन का, लेकिन आपको इतना मैटर मिल जाएगा, इतने तरीके मिल जाएंगे, बस आप मेहनत करते रहिए, तो हम भी खुश होकर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए